नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। पिछली बार हम लोगों ने ये कब सुना था कि कोई भी देश ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस को ये कहता हो कि आप अपने पीस कीपर फोर्स को कहे कि वो जहां पे स्टेशन है वहां से वो पीछे हट जाए, यानी कि किसी सेफ लोकेशन पे चले जाएं। या हम लोगों ने पिछली बार ये कब सुना कि कोई भी देश ऑफिशियली यूएन के चीफ के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा इशू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कंट्री इसराइल के बारे में, जिसने रिसेंटली यानी कि 13 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो ग्वेटरेस से कहते हैं कि उनके जो पीस कीपर फोर्सेस तैनात है लेबनान के सदर्न हिस्से में, उनको कहा जाए कि वो अपने पोस्ट से लगभग 5 या 6 किलोमीटर अंदर चले जाएं, ताकि उनको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और मामला बस यहीं पे खत्म नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे ये दावा किया जा रहा कि IDF फोर्सेस के द्वारा टैंक का इस्तेमाल किया गया और जिस भी बिल्डिंग या लोकेशन पे पीस कीपर्स रह रहे थे उस बिल्डिंग का मेन गेट को तोड़ा गया। यहां से भी हमें एक चीज मालूम पड़ता है कि आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से USA और इसराइल के सामने घुटने टेक के खड़ा है, और शायद ही हमें ऐसा कोई एग्जांपल आने वाले फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट या कमेंट्स पढ़ के मुझे ये लगा कि भारत में एक बहुत ही बड़ा तबका है जो इस भ्रम में है, जिसको ये लगता है कि ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसराइल को सपोर्ट करना, और जो भी इसराइल कर रहा या कह रहा वो बिल्कुल सही कर रहा और कह रहा। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अपने बिजनेसेस को करते हैं ईरान के साथ। तो अगर किसी भी तरीके से कोई भी इंडियन कंपनी को अगर नुकसान पहुंचता है या उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो उसका साफ मतलब होता है कि उस चीज का असर इंडिया पे हो रहा, और अगर किसी भी चीज का असर इंडिया पे होता है तो उसका असर हम सभी पे पड़ता है। तो इसके पहले कि हम किसी को भी अनकंडीशनल सपोर्ट करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे आसपास में हो रहा उसको हम समझे और उसी हिसाब से हम अपना सपोर्ट को एक्सटेंड करें। यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स लेबनान में क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इस मैप को बहुत ही गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिस भी देश का बॉर्डर लगता है इसराइल के साथ, वो सारे एरियाज काफी डिस्टर्ब हैं। और बाय द वे, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब IDF लेबनान में इन्वेजन करते हैं। इसके पहले भी साल 1978 में इन्वेजन कर दिया गया है, उसके बाद साल 82 में किया गया है, उसके बाद साल 2005-06 के आसपास किया गया है, और ये चौथी बार है। जब मैं इन्वेजन कह रहा हूं तो आसपास के एरियाज हर वक्त ही डिस्टर्ब रहता है, तो थोड़े बहुत वहां पे जो वायलेंस है वो होते ही रहते हैं। तो जब ये वायलेंस एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तब जाके इंटरनेशनल मीडिया वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद जाके रिपोर्टिंग होनी शुरू होती है। तो साल 1978 से ही यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं वो लेबनान के सदर्न हिस्से को गार्ड करना शुरू कर दिए, और इस पीस कीपिंग फोर्स में 40 देश इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि भारत भी है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से IDF फोर्सेस पीस कीपर्स के ऊपर अटैक करते हैं तो इसमें जो इंडियंस हैं उनको भी कैजुअल्टीज होने का चांसेस बन जाता है। तो जब हम किसी को भी सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और जहां तक बात किया जाए लेबनान के हिजबुल्ला के बारे में, तो इसको क्रिएट किया जाता है साल 1982 में, और इसके पहले साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है और ईरान के द्वारा ही क्रिएट किया गया हिजबुल्ला को। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इसराइल ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और क्योंकि जो हिजबुल्ला है वो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो जब भी आप अपने दुश्मन के आस पास होते हैं तो आप उसके गतिविधि को काफी गौर तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी कारण है कि क्यों जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि अगर इसराइल एक हद के बाद अगर लेबनान में अटैक करता है तो लेबनान को तो इसका नुकसान होगा ही, लेकिन इसराइल के जो फोर्सेस है उसको भी नुकसान होगा, जो कि रिसेंटली हम देख सकते हैं 1 अक्टूबर से। सो जो ऑफिशियली बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के चीफ को जो कहा गया है वो कुछ लमसम ये कहा गया है कि क्योंकि लेबनान के सदर्न हिस्से में हिजबुल्ला के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा और इन्हीं सब एरियाज में यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं वो भी तैनात हैं, तो उनको ग्राउंड इन्वेजन करने में काफी मुश्किल हो रहा, क्योंकि उनके द्वारा ये कहना है कि अगर किसी भी तरीके से वो अटैक करते हैं तो उस अटैक में यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपर्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्स में लगभग 40 कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो इसराइल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो 40 देशों को एक साथ नाराज करे, और उसके बाद बीते कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे देश है जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक ही देश है जो उस हद तक क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, वो है USA। इसी महीने के 2 तारीख को इसराइल ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस
के चीफ के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा इशू कर देता है। इसका बहुत ही साफ या स्पष्ट मतलब अगर आप समझना चाहें तो किसी भी तरीके से अगर कोई भी आदमी के खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा इशू किया जाता है तो वो आदमी उस देश में नहीं जा सकता है। यानी कि यूएन के चीफ को इसराइल जाने से बैन कर दिया गया था। ये एक्शन अपने आप में इतना बड़ा एक्शन है जिसको शायद ही आप शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि यूएन के चीफ को किसी देश ने अपने देश में आने से कंप्लीट तरीके से ब्लॉक कर दिया। जब हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पे, तो उसके बाद इनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे जहां पे इन्होंने कहा था कि जो हमास ने अटैक किया है इसराइल पे ये आइसोलेशन में नहीं है। तो इनका कुछ लमसम कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से इसराइल और उसके आस पड़ोस के देशों में मतभेद है तो ये उसी मतभेद का रिजल्ट है कि क्यों हमास ने अटैक किया। और उसके बाद ये मल्टीपल ऐसे ओकेजंस हुए हैं जहां पे इसराइल अपने आसपास के देशों के जो जमीन है उसको समय दर समय अपने अंदर ले लिया है, और बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से इसराइल के जो लोग हैं उसको वहां पे वो बसा रहा है, जिसको कि फेमसली कहा जाता है सेटलर्स। तो इन सभी बातों को मिला के एंटोनियो ग्वेट्रेस कहते हैं कि जो हमास ने किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हमास के एक्शन के पीछे भी बहुत सारे एक्शंस हुए हैं। बस इन्हीं सब कुछ बातों से इसराइल काफी नाराज हो जाता है और वो इस हद तक जाता है कि वो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं उनको अपने देश में आने से बैन कर देता है। क्योंकि एंटोनियो ग्वेट्रेस के खिलाफ इसराइल पर्सोना नॉन ग्राटा इशू कर देता है तो इसीलिए एक कंडेमनेशन लेटर को पास किया जाता है जिसको कि इंडिया साइन नहीं कर। जब आप एक देश के लेवल पे जाके आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सिंपली जियोपॉलिटिकल न्यूज ही अगर आप सुनना या पढ़ना शुरू करेंगे तब भी जाके आपको समझ में आ जाएगा कि देशों के साथ रिश्ते को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हमारा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या इन्वॉल्वमेंट है ईरान के साथ में, वहीं पे अगर हम बात करें इसराइल के बारे में तो इनसे भी हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। तो अगर आप इस पूरे चीज को बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहें तो अगर इसराइल किसी भी तरीके से अपनी मनमानी को कर रहा तो ये उस हद तक ग्लोबल डोमिनेंस अपना क्रिएट कर पाया है। और खास करके अगर हम इंडियंस किसी भी तरीके से इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं तब भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन सिटीजन कि हम चीजों को कम से कम पढ़ें और देखें समझें कि किस तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा और क्यों सपोर्ट किया जा रहा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।